अखिलेश जी सपने भगवान कृष्ण के देखते हैं, उनके पिताजी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, डीजे बजने नहीं दिया, प्रतिबंध लगा दिया, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, वो राम कृष्ण और भोलेनाथ की बात करने का अधिकार क्या है? आस्था को अपमानित किया और हमारी सनातन संस्कृति को अपमानित किया कांग्रेस सपा बसपा सोनिया से लेकर यहां राहुल और राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक, ये लोगों को कौन नहीं जानता है? जवाहरबाग की घटना हो, कृष्ण के साधकों के जमीन कब्जवाने की बात हो, जब इनका सपना टूटता है तो इनके जाने कितने मंत्री विधायक गलत कार्यों के कारण जेल में होते हैं। 2017 के बाद कुशासन के इन सभी प्रतीकों पर लगाम लगाने का काम योगी सरकार ने किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री टेबलेट खोलते ही दो आइकन बहुत प्रमुखता से दिखाई देता है, एक में प्रदेश की जनता के लिए किए गए काम, सुशासन की बागडोर, सुदृढ़ व्यवस्था से जुड़े काम की पूरी प्लानिंग, यानी मुसार थारू बंटांगिया जैसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, आज उनको पक्का मकान मिल रहा है और कानून का राज है। दूसरे आइकन पर हम लोग देखेंगे तो जो पिछली सरकार की सपा सरकार की कारनामों की कुंडली है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ विपक्षियों के की कारनामों की कुंडली पर लगाम लगाने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि सब लेखा जोखा आदरणीय योगी जी के पास रखा हुआ है। इसलिए आपसे बस यही निवेदन करूंगा, आपदा जनार्दन का मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं, लोगों से निवेदन भी करता हूं, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब भी हम सत्ता में आते हैं तो मेरा सत्ता सेवा का माध्यम है और सरकार संगठन मिलकर गरीबों की सेवा करते हैं, और मेरा हमन लोगों का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज नेतृत्व कर रहे हैं। किसी का भी लखनऊ में या दिल्ली में किसी का मकान नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, जनता जनार्दन का सेवा करना ही यही लक्ष्य हम सबका है, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ लीजिए उनसे, एक बार उनसे चर्चा कर लीजिए व्यक्तिगत बैठकर, दर्शन करेंगे क्या? और वह आजकल तो टीका लोग लगाए रहे हैं, जो आप राम को अस्तित्व को नकारते थे तो लोग अब मंदिर मंदिर तो जा ही रहे। देखिए सरकार संगठन, आप तो पहले से देख रहे हैं, आप नजदीक से देख रहे हैं, सरकार संगठन गंभीर है, कोरोना महामारी प्रथम द्वितीय इसमें भी, और जैसे आपने आवाज उठाई कि मंदिर दर्शन, वो मंदिर दर्शन थोड़ो करेंगे, प्रायश्चित वहां प्रायश्चित करेंगे जो राम मंदिर पर गोलियां चलाए। नहीं मैं, हम गंभीर हैं जो कोरोना से, और संगठन सरकार दोनों गंभीर है, जनता की सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर कोई तकलीफ ना आवे किसी प्रकार का, पूरी हम लोग चिंता करें। संगठन पार्टी संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, और अपने संगठन का एक सिस्टम, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता, जनता के बीच में लोकप्रियता, और संगठन के प्रति समर्पित
ऐसे लोगों का अपना सूची बनता है और संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये संसदीय बोर्ड निर्णय अभी इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। क्या क्या है आप पूर्ण विश्वास रखिए और ईमानदारी के साथ रखिए, बीजेपी शासन में किसी गुंडे को अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है। कानून अपना काम करता है और कानून का राज होता है, जिसके कारण शांति होती है और शांति होता है तो निवेश होता है और उद्योगीकरण होती है। हम संगठन या सरकार कोई किसी अपराधी का साथ नहीं देता है, जो दोषी है वह अपना शासन प्रशासन कार्रवाई करता रहता है, कानून अपना काम करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।